मैं तो हड़े नाल अपने पास्ट बारे गल करनी है। अमृता जी, मैं कदे भी किसी नाल इस टॉपिक दे उत्ते गल नहीं कीती, ते ना ही मैनू एक गल करना पसंद है। मैं कहना सी के मैं ते निकित मम्मा इत्थे की चल रहा है? आज फिर तुसी सारे नूं खाने ते बुलाया? नहीं नहीं पुत्र, मैं तां निकिता जी नूं बुलाया सी। अच्छा, ते विक्रांत जी हमेशा दी तरह अपने आप आ गए, है ना? विक्रांत जी, तुसी इन्ने वड्डे सेलिब्रिटी शेफ हो, तुहानूं बार बार साडे घर आंदे चंगा लगता है? सोम, मैं अमृता जी नाल एक जरूरी गल करनी सी। अच्छा अच्छा अच्छा, तुहाडी जरूरी गल्लां खत्म ही नहीं होंदियां। जदों देखो तुसी अपनी जरूरी गल्लां करन इत्थे आ जांदे हो, राइट? नहीं मम्मा, तुहाडे नाल ऑफिस च काम करदे हां, जिन्नी गल्लां करनियां होंदियां ऑफिस च कर लिया करो, कि उत्थे नहीं होंदियां। जा विक्रांत जी, तुहानू साडा घर इन्ना पसंद आंदा है कि तुसी कोई ना कोई बहाना लभदे हो साडे घर आउण दा, आई एम राइट? हां सोम, एहो जी कोई गल नहीं, मैं उन्हां नाल गल करनी सी कि तू ठीक कह रहे हैं, मेरी गल कल भी हो सकती है, मैं चलता हूं। विक्रांत जी, मम्मा, विक्रांत जी सेलिब्रिटी ने जान दो उन्हां नू, सो काम हुंदे ना नू, हां जान दो, लेट हो रहे हैं, प्लीज। सोहम, कोई गल नहीं रमनीक, वैसे ही मैंने बहुत सारे काम ने, मैं चलता हूं, बाय बाय अमृत जी। रमनीक, सोहम नूं ना विक्रांत जी नाल इदां गल नहीं करनी चाहीदी सी। हाँ मम्मी, उन्हें सही नहीं किता। वैसे सोहम विक्रांत जी तो इन्ना चिड़िया क्यों रहिंदा है? तू एक बारी उहदे नाल गल करके देख, उस तो पुछ तां सही। वाह, इन्ने दिनां बाद मैं गर्म रोटी खावांगा। हाँ जी बाबू जी, नहीं तो मैनू इस डब्बे की हर रोज गर्म रोटी खानी पैंदी है। हेलो बाबू जी, गरम गरम फुलका। वही वाह, आज मैं तुहाडे वास्ते तुहाडे फेवरेट कोफ्ते बनाए हैं। वाह वी अमृता, जिंदी रहे, बहुत बढ़िया। सब्जी पास करी। अरे वाह, बहुत स्वाद खाना बने। अमृता पुत्र, तू खड़े क्यों है? साडे नाल बैठ के रोटी खा। नहीं नहीं बाऊ जी, तुसी खा लो, मैं बाद च खा लांगी। भाई तू सवेरे जाना हुंदा है, जे तू साडे तों बाद च रोटी खाएंगी, उदों बाद किचन साफ करेंगी, किन्नी देर हो जाएगी, इस करके चुपचाप बैठ ते रोटी खा। हाँ मामा, तुसी बैठो, मैं तुहाडे लई खाना लगा दिन्नी आ। रमनीक पानी दे। हाँ
मम्मी अज तुसी सारिया नाल खा लिया ते कम किन्नी छेती निबड़ गया है ना। मम्मी अज तां बाऊ जी दा गुस्सा भी खत्म हो गया है ना, ते बाऊ जी ने आके तुहाडे कम बारे आप गल कीती। तुसी एवें परेशान हो रहे सी, मैं कहा सी ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। की होया रमनीक, मैनू दस। कुछ नहीं मम्मा, क्यों की होया? मैनू की पता कुछ होया, ये तो मैं ही तेरे तो पूछ रही हूँ ना कि होया। बस मैनू थोड़े जे दिनों का होर टाइम दे दे, मैं जॉब लभन की पूरी कोशिश करांगा। तो अगर मैं जॉब नहीं लभ पाया ना तो आप सारे सच दस देवे, प्लीज। मम्मी मैं तुहानू की दसा, सोहम इन्नी वड्डी गल सब तो लुको रहा है, ते मैं भी किसे नू कुछ नहीं दस सकती। मम्मी तुसी कादे बारे गल कर रहे हो, की दसा मैं? रमनीक मैं तेरे ते सोहम बारे पूछ रही हूँ, तुहाडी आपस च फिर लड़ाई हुई है, क्योंकि मैं नोटिस किया सी तुसी दोनों आपस च गल नहीं कर रहे सी। देख रमनीक, नवे कपल्स दे विच एदा हुंदा है, ਵਿਆਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੁਝ ਔਖੇ ਜਿਹੇ ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨੋਕਝੋਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਹਮ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਸਮਝ ਗਈ ਮੇਰੀ ਲਾਡੋ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੰਮੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਸੌਰੀ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲੁਕੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਮੰਮੀ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਬੇਟਾ। तू आज जल्दी ऑफिस जा रहे हैं? हाँ मामा। अच्छा फिर तू रुक, मैं तेरे डब्बा पैक कर देनी है। नहीं मामा, मैं आज हाफ डे ले रहा हूँ, मैं घर आके खाना खा लूंगा। अच्छा तू आज हाफ डे लेता है? अच्छा फिर इंज कर, तू कर दी चाबी नाल ले जा, क्योंकि उस टाइम तक मैं घर नहीं होवांगी, ते बाऊजी भी सुते होंगे। बस तू 2 मिनट रुक, मैं हुने आई।